हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आरके यात्रा में। इस वीडियो में हम मुंबई, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा और विश्व का सातवां सबसे बड़ा शहर है, या मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। कई सारे पर्यटक अलग अलग राज्य या शहरों से मुंबई घूमने के लिए आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुंबई में टॉप 10 ऐसी कौन सी जगह है जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और उन सभी जगह को देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस आप देख सकें। तो पहला प्लेस है गेटवे ऑफ इंडिया। यह मुंबई शहर के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है, जिसे आज गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन की याद में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी 85 फीट है। यह मुंबई का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह आप फोटोशूट कर सकते हैं या समुंदर में बोट के द्वारा घूम भी सकते हैं। और गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में ही मुंबई का ताज होटल है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स कहा जाता था, और शॉर्ट फॉर्म में विटी या CST के नाम से यह अधिक प्रचलित है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। आंकड़ों के अनुसार यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है, और रात के समय में रंग बिरंगी रोशनी में यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इस स्टॉक एक्सचेंज की पहुँच भारत के 417 शहरों तक है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है, तो यह देखने भी आप जा सकते हैं। मणि भवन। मणि भवन भारत के मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है, जहां महात्मा गांधी जी ने काफ़ी समय तक निवास किया और भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। वर्ष 1917 से 1934 तक गांधी जी का यह निवास हुआ करता था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस घर में कई बैठकें हुई, जिनमें देश के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया था। एसएल वर्ल्ड देश के सबसे बड़े मनोरंजन पार्क में से एक है, जो मुंबई के बोरिवली क्षेत्र के गोराई में स्थित है। इसकी शुरुआत 1979 में की गई थी, जो 64 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ वाटर किंगडम और अन्य पार्क मिलकर यह सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क माना जाता है। एलिफेंटा केव्स। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह केव्स है, जो अपनी कलात्मक गुफाओं के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं, जिनमें हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, और भगवान शंकर की 9 बड़ी मूर्तियाँ हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों को दिखाती है। वैक्स म्यूजियम। रेड कारपेट वैक्स म्यूजियम। इस म्यूजियम में कई सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मी सितारे, क्रिकेटर्स या राजनेताओं के वैक्स से बने स्टैचू आपको देखने को मिलेंगे, जिनके साथ आप फोटो भी ले सकते हैं। यह वैक्स म्यूजियम घाटकोपर के RCT मॉल में स्थित है। फ्लोरा फाउंटेन। फ्लोरा फाउंटेन अथवा हुतात्मा चौक, यह एक पानी का फव्वारा है, जो मुंबई में स्थित है। इस फाउंटेन का नाम रोम में समृद्धि के देवता के नाम पर पड़ा है। इसका निर्माण 1869 में सर बार्टेल फेरेरे के सम्मान में किया गया है, जिन्होंने आज दिखने वाली मुंबई के निर्माण में बहुत सहयोग दिया था। बांद्रा वर्ली सीलिंग। बांद्रा वर्ली सीलिंग यह मुंबई का
समुंदर में बना सबसे बड़ा पुल है, जो बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी और दक्षिणी उपनगरों से जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन 30 जून 2009 को किया गया था। रात के समय में यह और भी खूबसूरत दिखता है। बैंडस्टैंड, जहां आप समुंदर के किनारे घूम सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहां आपको खाने पीने के लिए कॉफ़ी शॉप और फास्ट फूड शॉप भी उपलब्ध है। बैंडस्टैंड से कुछ ही दूरी पर बॉलीवुड हस्तियों के घर भी है, जैसे शाहरुख खान का मन्नत और गैलेक्सी टावर में सलमान खान का घर है, तो यह देखने भी आप जा सकते हैं। नेशनल गैलरी यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 19 मार्च 1954 में की गई थी। इस गैलरी में विभिन्न कलाकारों के 14,000 से भी अधिक आधुनिक कलाकृतियों का संग्रह है, जो आप देख सकते हैं। मरीन ड्राइव, मरीन ड्राइव मुंबई में 1920 में अरब सागर के किनारे निर्मित एक शानदार पॉइंट है, जहां लोग घूमने, टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं। मरीन ड्राइव में आप डूबते हुए सूरज का खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। रात के समय में यह मरीन ड्राइव बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। मुंबई में यह सभी जगह घूमने के लिए आप ट्रेन, बस, टैक्सी या कैब, इन लोकल ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यह थे मुंबई के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस जो आप घूम सकते हैं। या आप मुंबई टूर से जुड़ी और भी डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आप मुंबई में किन माध्यमों से पहुंच सकते हैं, मुंबई टूर के लिए एक व्यक्ति के लिए कितना खर्च आ सकता है, यह जानना चाहते हैं, तो आप मेरी मुंबई की पहली वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने आपके लिए ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फिर आप इनमें से मुंबई के कौन कौन से प्लेस घूम चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप शिमला या लोनावला टूर की भी जानकारी देखना चाहते हैं, तो इनकी वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टूर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।